काश आजीज की मां जिंदा होती। बाप की कंजूसी की खाई में बेटा अपने प्यार को दफना रहा है। अरे करो भी तो क्या करो, इतना कंजूस बाप तूने देखा है? नहीं, अब मरेगा तो पैसा साथ लेके जाएगा? नहीं, बचपन में मां गुजर गई, हाँ इकलौता लड़का हूं और जेब खर्च 100 रुपए। अरे आज की डेट में 100 रुपए कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। फिर बचाने के चक्कर में जो कॉलेज नहीं भेजा था, हाँ। मुझे लगता है पैसे के चक्कर में मेरे प्यार की भी खटिया खड़ी करने वाला। ये प्यार की खटिया कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे। इधर आ, ये देख ममता के लव लेटर्स। एक एक लव लेटर 25-25 रुपए का है। उसने मेरे जन्मदिन पे 25,000 रुपए खर्च किए थे। अभी 100 रुपए के साथ उसका जन्मदिन मना या मरण दिन? देख इस 500 रुपए से काम चल सकता है। अरे इससे क्या होगा यार? अरे कमाल है, बच्चा समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुद्दा है। अरे तू नहीं जानता, वो शहर के माननीय बिल्डर योगराज की बेटी है। अरे 500 रुपए तो यूं उड़ाती है। देख प्रताप, तू कुछ भी कर, बापू को पटा के एक 5,000 रुपए दिलवा दे। तू जानता है ना, तेरी बात नहीं टालेंगे। अरे ममता के होने वाले मियां, तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है। उसके सर के बाल झड़ेंगे तो उसका टूथब्रश बनाकर वो अपना मुंह साफ करेगा। उसके पास से 5,000 रुपया लाना मतलब भूखे शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर है। लगता है धनतेरस की पैदाइश है। हर बात पे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी भेजना तो बहू के रूप में भेजना, ताकि घर में आए और स्थिर हो जाए। और मेरी लक्ष्मी पे नजर डालने वाले का मुंह काला कर देना माँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय, जय लक्ष्मी नारायण वासु। ये क्या प्रताप, तूने चोरी की? यार कैसी बात करता है। एक अच्छे कार्य के लिए मैंने तेरे बापू का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया, उसको चोरी बोलता है। वैसे वो लुढ़क जाएगा तो इस लक्ष्मी का वारिस तू ही तो है। अपने जेब में हाथ डाले को चोरी थोड़ी बोलते हैं। कहीं बापों को मालूम पड़ गया ना, मिर्गी आ जाएगी। यार उनकी हरकतों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पैसे गिनते नहीं तोलते हैं। उनका कहना है लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है। हर महीने का जो भी भाड़ा आता है ना, वो ऐसे सोच मत यार। फूक फूक दे, ममता के नाम फूक दे। तो ठीक है प्रताप, जो होगा देखा जाएगा। मगर पार्टी में तुझे भी आना पड़ेगा। एक काम कर, ये चेन पहन, कबर्ड में से शर्ट निकाल और जरा सेक्सी बन जा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? लव रैप। वो यू वांट मी टू डांस लाइक माइकल जैक्सन। अरे चलना है। अंदर आ जाओ। बहन जी, बहन जी, अब आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। बहन जी कोई नहीं बचा सकता। पुलिस खिलाफ, कानून खिलाफ, सरकारी अफसर खिलाफ, नेता खिलाफ। हम आदिवासियों को बचा लीजिए बहन जी। बहन जी वहां पर वो लोग वहां होटल खोलना चाहते हैं। इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए बहन जी। इस तरह डर डर कर कब तक जियोगे तुम लोग? हम बेबस लोग और कर भी क्या सकते हैं। पुलिस और गुंडों की ताकत मिलकर बस्ती को उजाड़ देगी, और हम बगावत करें तो भी किसके सामने? ये है बगावत। कल इस आर्टिकल के छपते ही जितने खरीदे हुए नेता है ना, उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी, और कल तक जो तुम्हारे भक्षक थे ना, वही तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे। वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह। अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं। वाह वाह, लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे। अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अखबार में बहुत ताकत है, टक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको। सोने दो सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगाओ ने। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज। लव रैप टिंगडिंग टिंगडिंग, लव रैप टिंगडिंग टिंगडिंग, लव रैप। नेहा बहन, मेरे पति को फैक्ट्री जाना है, मुझे जल्दी पानी भरने दो। अच्छा भर लो। बहन तुम्हारे यहाँ तो किसी को काम पे नहीं जाना है, हमारे घर सब काम काजी हैं। मुझे पानी भरने दो ना। ठीक है। अरे ओ उजड़े जवान, अच्छाई उतनी करो जितनी अच्छी लगे, ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे। अरे वो कल्याण जी भाई सूचे
आ गोला बजाओ छो। अरे एक बीड़ी तो भी उड़ाते जाओ। अरे मेरे पास एक बीड़ी है यार, वो भी बाजू वाला हुसैन भाई से मांग के लिए है, इतने बचाए दे। अरे वही दे देना। अरे ये तेरे को दे दूंगा तो मेरे को उधर वादे हो जाएंगे ना, समझ तो क्या। बस समझी गए समझी गए, भिखारी कहीं का बीड़ी भी मांग के पीता है, एक बंडल नहीं खरीद सकता। अरे अरे बाजू बाजू माँ, मुझे भूख लगी है, चलना माँ। अभी चलती हूँ, पानी भर लो। गुड मॉर्निंग कलमाली बाय। स्टूपिड, खाना पकना। कैसी होने आ बहन? ठीक हूँ, पहले आप ले लीजिए। ये भी गया। देखा, आज भी तुझे पानी नहीं मिला। तू वक्त से पहले आ जाती है फिर भी, और मैं बाद में आती हूँ फिर भी। देखा उजड़ा जवान, इसीलिए तो कहता हूँ वक्त के साथ चलो, वक्त के आगे चलने वाले भी पैसे, पीछे चलने वाले भी पैसे। अपना देख कैसा टाइम पे है साहब। माँ चलना माँ, भूख लगी है, खाना देना। चलते हैं। देखा देखा उजड़े जमान, हमारे देश का भविष्य भूखा भी और नंगा भी। यहाँ सुबह लोग उठकर खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। तू इतना समझदार है, अरे जो बातें तू मुझे सुनाता है वो जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाता? मैं समझदार हूँ या अखबार में भी आ गया क्या? अरे जो मुंह में आता है वो बक देता हूँ। अरे मगर प्रताप, तू जो भी बकता है ना उसमें सच्चाई होती है, अरे कहीं ना कहीं छुपी हुई आग होती है। हंसता क्या है? अगर यही बातें तू लोगों को जाकर समझाएगा तो मुझे अखबार में लिखने की जरूरत क्या है? तू कहता है ना कि गरीब अखबार नहीं पढ़ते, मगर तेरी आवाज तो सुन सकते हैं। सुन लो आवाज, अब रामवाणी शुरू होगी। खुद यार कमीनियत हरामजादी, पानी भरने गई थी आंख में धक्का करने। हाँ बोल, आखिर तुझे पानी क्यों नहीं मिलता? सबको पानी मिलता है, तुझे नहीं मिलता, चल हट। अब बर्तन कैसे धोएगी, कपड़े कैसे हो? बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना बुआ उसे मार डालेगी। देख छोटू, आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ खुद बचा ले। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब, रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़े हैं कि नहीं? हाँ तोड़े हैं। तो फिर सोचता क्या है, माँ से एक पत्थर उठा और उस चुड़ैल के सर को बिजली का बल्ब समझ कर तोड़ दे, हमेशा के लिए झंझट खत्म, चल भाग। तू रक्षा करना जानता है और सजा दिलवाना भी जानता है, न्याय क्या है ये तू अच्छी तरह जानता है, तो फिर हर बात को तू हंसी में क्यों डाल देता है? अरे खुद भी जाग और लोगों को भी जगा। अरे फिर ये जागने जगाने की बात, अरे एक कलम वाली भाई, मैं तेरे पाँव छूता हूँ, मेरे को उसल पाव खाने दे। मुझे गांधी नहीं बनना, मुझे सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने दे, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? समाज सुधारक बनाने चलिए मुझे, पागल हो गया क्या? नाश्ता नहीं करने देती है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। दिन निकल आया फिर भी आपकी सुबह अभी तक नहीं हुई। आठ। अरे बेटी नींद पूरी ना हो ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। पहले आप मेरा आज का दिन तो अच्छा कीजिए, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, मेरी कॉलेज की ट्रिप शिमला जा रही है। रुपए? ये लो तिजोरी की चाबियां, जितने पैसे चाहिए निकाल लो। थैंक यू डैडी। जा। हेलो। नींद से जागो योगराज, और आज का अखबार पढ़ो। अब तुम्हारा कांडवा गांव में होटल बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे मंत्री होते हुए भी सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती देशमुख? अरे कौन आया हमारे बीच में? अरे वही अखबार वाली मेघा दीक्षित, और कौन? आज के हर अखबार में हेडलाइन के साथ गांव के आदिवासियों की हिफाजत के लिए लंबा चौड़ा लेख छपा है, पढ़ो पढ़ो। और तुम तो जानते हो कि उसके नाम के चर्चे दिल्ली तक हैं। और आज ही दिल्ली से कांडवा गांव की सुरक्षा के लिए हॉटलाइन पे अभी अभी मुझे फोन आया है, अब मुझे मजबूरन वहां पर पुलिस भेजनी पड़ेगी। तो फिर उस बस्ती को खाली करवाने का कोई रास्ता नहीं? बस एक ही रास्ता बचा है योगराज,
और वो है चतुर सिंह चिता। इसको देखते लोग खामोश क्यों हो गए? तू जानता नहीं इसे? नहीं। ये चतुर सिंह चिता था। अच्छा, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। हाँ? उसकी गाड़ी का नंबर देखा? नहीं। AIK No. 1। मतलब ऑल इंडिया किंग नंबर वन। अच्छा, जहाँ जहाँ जाता है खामोशी छा जाती है। लकी नंबर एक कदा, एक कदा। अबे क्यों रोक दिया चक्कर हराम जाते? मेरा नंबर लग रहा था। चुप्पे। क्या? कौन था ये हराम का? चतुर सिंह जी वो नया आदमी था, आज ही क्लब में आया था, इसलिए आपकी हुकूमत और कानून के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाया। दयाल, यहाँ आने वाले हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि चतुर सिंह चिता के कानों को ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। जी। मगर चंद्रसेन, तुम्हें यकीन है कि चतुर सिंह हमारे मामले को हल कर देगा? अरे हाल का क्या? अरे हाल का क्या बात करता है योगराज, जरा सोचने का बात है। बैठो बैठो। अरे आजकल हम जैसा नेता भगवान का कम, चतुर सिंह का चौखट ज्यादा चुमता है। अरे हमारा गॉडफादर है। चंद्र सिंह 16 आने सच कह रहा है योगराज, चतुर सिंह की हां ना में हमारी मिनिस्ट्री उलट पलट जाती है। देशमुख, और किसको उल्टाना पलटाना है? अरे नमस्कार दादा। नमस्कार, बैठो बैठो। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह दोनों पार्टी के नेता हमारे घर में? देश के हालचाल तो ठीक है ना? अरे दादा, देश का हालचाल कैसा भी हो, हम लोगों का हालचाल एकदम ठीक है, गिरे है। और दादा इनसे मिलिए, ये हमारा शहर का जाना माना फेमस बिल्डर योगराज बाबू, खूब भालो मानोस। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नेता और बिल्डर साथ में, यानी कि मामला गड़बड़ है। ज्यादा ज्यादा गड़बड़ नहीं है चतुर जी, बस वही कांडवा गांव के आदिवासी बस्ती की समस्या है। वहां के आदिवासियों की जागृति ने केंद्र को झका दिया है, इसलिए मुझे वहां पुलिस फोर्स भेजने का ऑर्डर मिला है। और दादा दूसरी ओर योगराज जी का होटल हनीमून का कार्यक्रम एकदम फिट हो गया है, और ये करोड़ों का नहीं अरबों रुपये का मामला है। इस बार भी हर बार की तरह आपका बराबर बराबर का हिस्सा है। अरे भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पुलिस वालों को तुम लोग हटाओ, आदिवासियों को मैं हटाऊंगा। अरे दादा, अरे पुलिस वहां से हटेगा कैसे? उसको तो देशमुख बाबू ने ही भेजा है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता था है? मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया था, क्या कर सकता था मैं? पुलिस को कहीं भी भेजना तुम जैसे नेताओं का काम, और उनको वहां से हटाना हम जैसे चतुरों का काम। क्या क्या कहा? अरे शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और आपको कांडवा गांव की पड़ी है? कैसे कमिश्नर हैं आप? सुनो 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 कमिश्नर सुनो, शहर में शांति सुरक्षा और गुनहगारों की गिरफ्तारी के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए। हाँ, और सुनिए, वो जो कांडवा गांव में आपने पुलिस रख छोड़ी है उसे यहाँ बुलाइए शहर में, बस यही मेरा ऑर्डर है। मगर इस हालत में अगर वहां कुछ हो गया तो? वहां जब होगा तब देखा जाएगा, अभी यहां हो रहा है, यहां का देखिए, यहां का सोचिए। हाँ, और मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, कांडवा गांव से पुलिस हटाइए बस। रुक जाओ, इस बस्ती पर बुलडोजर चलाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेघा जी हमें बचा लीजिए, ये देखिए ये लोग गोलियों से डरा कर हमें बेघर कर रहे हैं, हमारी बस्ती उजाड़ रहे हैं, हमें बचा लीजिए मेघा जी, हमें बचा लीजिए। अरे तुम सब कहां रहो, 10-15 गुंडों का मुकाबला तुम पूरा गांव मिलकर नहीं कर सकते? अबे ओ सामना करने वाली, एक दूंगा ना तो बोलती हुई जुबान बाहर निकल जाएगी, तू है कौन हमारे बीच में आने वाली? क्या ये भाई अखबार वाली है? हाँ हाँ, मैं भाई अखबार वाली हूँ। अरे ये भाड़े के टट्टू, तुम्हारी धमकी वमकी यहाँ नहीं चलेगी, चलो बाहर निकलो यहाँ से। चला दो बुलडोजर, मिटा दो सारी बस।